ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। और अभी आपको बताएं, कराची के इलाके लियारी में याकूब शेरा रोड गली नंबर 7 में रिहायशी इमारत एक तरफ झुक गई, जबकि करीबी बिल्डिंग के रिहायशी खौफ ज़दा होकर बाहर निकल आए। वाकये की इत्तला मिलने पर मकामी पुलिस मौके पर पहुंची और किसी नाखुशगवार वाकये से निमटने के लिए इतराफ़ की गलियां सील कर दी। पुलिस हुकाम का यह कहना है कि फौरी तौर पर इमारत को खाली करा लिया गया है और SPCA हुकाम को आगाह कर दिया गया, इमारत रहने के काबिल नहीं। इस बात का कभी इम्कान है कि SPCA हुकाम के मुआयने के बाद इमारत को मिसमार किया जाएगा। इसके अलावा हिफाजती इंतजाम के पेश नज़र इंतजामिया ने इतराफ़ के 6 मकान को खाली करने का हुक्म दिया है। दूसरी जानब इलाका मकीनों का कहना है कि इमारत की बुनियादें ही कमज़ोर हैं और यह तामीर के वक्त से ही टेढ़ी है। इलाका मकीनों ने इंकशाफ किया कि जब इमारत तामीर की जा रही थी तो उस वक्त भी एहतजाज किया गया था, तो बिल्डर ने कहा कि 2 मंजिल बना रहे हैं, बाद में 6 मंजिला इमारत तामीर कर दी। आपको बताएं, गुज़िश्ता साल जून में भी लियारी खड्डा मार्केट गली नंबर 3 में वाक़े 2 मखदूश रिहायशी इमारतें मुनहदिम हो गई थीं, जिसके मलबे तले दबकर बच्चा और ख़ातून जाँ भाग, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए थे।